चुनाव के देश में ये बात हमेशा सियासी गलियारों का हिस्सा बनती रही है कि राजनीति में युवाओं की क्या अहम भूमिका होनी चाहिए। देश का कोई सा भी सियासी गलियारा युवा शक्ति से अछूता नहीं है। साल 2018 में अशोक गहलोत के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को युवा शक्ति ने सत्ता में वापसी कराई थी, लेकिन अब परिस्थितियां काफी हद तक बदल चुकी है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सहित अन्य राजनीतिक दल युवाओं को अपने कंधों पर बैठाकर चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है। आज हम बात करेंगे राजस्थान के उन 5 युवाओं की जो प्रदेश के सियासी गलियारों में अपने नाम से ज्यादा अपने वजूद की धाक जमा रहे हैं। साथ ही ये कहना भी गलत नहीं होगा कि युवा शक्ति राजनीतिक दलों के लिए सिर्फ चुनावी ताकत ही नहीं है, बल्कि उनके वजूद का बड़ा हथियार भी है, क्योंकि इन दलों को पता है कि युवाओं के बिना उनका सत्ता हासिल करने का रास्ता जलते अंगारों पर चलने जैसा है। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के लिए बिगुल बज चुका है, जहां कांग्रेस अशोक गहलोत के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों के दम पर चुनावी रण जीतने के दावे कर रही है। वहीं बीजेपी एक बार फिर पीएम मोदी के नेतृत्व में राजस्थान में जीत का परचम लहराने को बेताब है। इस बीच दोनों पार्टियों को टक्कर देने के लिए दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में कूद पड़ी है। लेकिन राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनावों में इस बार किसकी सरकार बनेगी, ये तय युवा करेंगे। जी हाँ, कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियां इस बार उलट फेर करते हुए अधिकांश सीनियर्स की टिकट काट सकती है। यानी इस विधानसभा चुनावों में कई साल से इंतजार कर रहे युवाओं की लॉटरी निकल सकती है। वहीं पहली बार विधानसभा चुनावों में खुलकर आई आम आदमी पार्टी का भी सिंगल एजेंडा युवाओं को आगे लाकर चुनाव लड़ना रहेगा। ऐसे में विधानसभा चुनाव 2023 युवाओं के दम पर लड़ा जाएगा, ये कहना गलत नहीं होगा। हम आपको बताते हैं उन युवाओं के नाम जिन पर सबसे ज्यादा निगाहें बनी हुई है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम राजस्थान बेरोजगार संघ के प्रमुख उपेन यादव का आता है। उपेन करीब 15 साल से प्रदेश के युवाओं के लिए सड़क पर उतरकर उनके हक में आवाज उठाते रहे हैं। सूबे में चाहे बीजेपी की वसुंधरा सरकार रही हो या कांग्रेस की गहलोत सरकार, उपेन यादव ने हर सरकार के सामने बेरोजगारों के हक में लड़ाई लड़ी है। किसी पार्टी पॉलिटिक्स से बचकर सिर्फ युवाओं के साथ खड़े होने का ही परिणाम है कि उपेन यादव दोनों ही बड़ी पार्टियों के लिए जिताऊ प्रत्याशी हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो उपेन यादव से आम आदमी पार्टी ने भी बतौर प्रदेशाध्यक्ष बनकर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन उपेन यादव उस समय सिर्फ पेपर लीक प्रकरण में अपने युवा बेरोजगार साथियों को न्याय दिलाने की लड़ाई में लगे हुए थे। जानकारी के मुताबिक ये बात भी सामने आई कि उपेन यादव ने आम आदमी पार्टी के सामने प्रदेशाध्यक्ष बनने के साथ साथ चुनावों में टिकट वितरण का पूरा कार्य उन्हें ही सौंपने की शर्त रखी, जिस पर अभी मामला अटका हुआ है। इस बार विधानसभा चुनावों में सभी बड़ी पार्टियों की नजर उपेन पर रहेगी, क्योंकि यूथ की आवाज के तौर पर फिलहाल उपेन यादव ही प्रदेश का सबसे बड़ा चेहरा है। युवाओं की दूसरी लिस्ट में नाम सुमित भगासरा का है। सुमित वर्तमान में कांग्रेस की सोशल मीडिया और डिजिटल विंग के चेयरमैन है, लेकिन सुमित भगासरा की संघर्ष की कहानी भी काफी लंबी है। 2004 में राजस्थान कॉलेज में सुमित की एंट्री हुई, कॉलेज अध्यक्ष की बड़ी तैयारी की, लेकिन छात्र संघ चुनावों पर रोक लगा दी गई। इसके बाद बतौर छात्र नेता सुमित भगासरा संघर्ष करते रहे। 2010 में फिर छात्र संघ चुनावों से रोक हटी, लेकिन ग्राउंड पर उतरकर एनएसयूआई का प्रचार प्रसार करने के बाद भी सुमित को 7 साल के संघर्ष का फल नहीं मिला और यूनिवर्सिटी के अपेक्स पद पर एक छात्रों को अपेक्स का टिकट दे दिया गया। लेकिन कहते हैं कि न वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। अगले ही साल एनएसयूआई ने चुनाव कराकर प्रदेशाध्यक्ष बनाने की रणनीति बनाई और सुमित का कई सालों से चल रहा प्रचार काम में आया और सुमित भगासरा ने बतौर प्रदेशाध्यक्ष 2 सालों तक पूरे प्रदेश में यूनिवर्सिटी सहित तमाम कॉलेजों में छात्र संघ चुनावों के लिए टिकट बांटे। यही नहीं, सुमित ने डिजिटल माध्यम से हुए यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन कांग्रेस की पुरानी परिपाटी के चलते उन्हें इस पद से महरूम रहना पड़ा। सूत्रों की माने तो पिछले विधानसभा चुनाव में जयपुर के झोरड़ा सीट से टिकट मिल रहा था, लेकिन अचानक सीएम गहलोत के इशारे पर उनके चहेते लालचंद कटारिया का टिकट दे दिया गया। वहीं सुमित को जयपुर ग्रामीण से सांसद का टिकट मिल रहा था, लेकिन सुमित ने सांसद के चुनाव लड़ने में रुचि नहीं दिखाई। लेकिन इस बार फिर से सुमित भगासरा विधानसभा चुनाव में सक्रिय भूमिका में नजर आ रही हैं। ऐसे में सुमित को कांग्रेस से विधानसभा के लिए टिकट मिलने की पूरी उम्मीद है। कांग्रेस से ही यूथ प्रभारी बनाए गए सतवीर चौधरी सीएम अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। सतवीर चौधरी राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष भी रह चुके हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष अनिल चोपड़ा भी कांग्रेस यूथ में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अनिल चोपड़ा पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के करीबी हैं।
वहीं राजस्थान यूनिवर्सिटी के ही छात्र संघ अध्यक्ष रहे कानाराम जाट बीजेपी में सक्रिय भूमिका में है और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के करीबियों में से एक है। ऐसे में जयपुर की किसी विधानसभा सीट से कानाराम जाट को भी टिकट मिल सकता है। विधानसभा चुनाव 2023 की जयपुर की सीटों से इन पांच बड़े युवा नेताओं पर सबकी निगाहें टकी हैं। चुनावों में युवाओं की भूमिका वाले इस कड़ी में अगली बार राजस्थान के किसी और जिले के युवा नेताओं की दावेदारी की बात करेंगे। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय बचा है। बीजेपी कांग्रेस के साथ ही दूसरी पार्टियों ने भी अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस को यकीन है कि वह सत्ता में फिर से आएगी, तो वहीं बीजेपी परिवर्तन यात्रा के जरिए सत्ता वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। ऐसे में दोनों ही प्रमुख पार्टियों के साथ ही अन्य राजनीतिक पार्टियां भी युवाओं के कंधों पर बैठकर जीत का परचम लहराने के लिए तैयार खड़ी है। इसीलिए साल 2023 का चुनाव सिर्फ राजस्थान का चुनाव नहीं होगा, बल्कि राजनीतिक दलों के लिए वो अग्नि परीक्षा है जहां उन्हें ना सिर्फ युवाओं का भरोसा जीतना है, बल्कि उन युवाओं को सियासी गलियारों में वो जगह देनी है जिसके वो हकदार है। यही अग्नि परीक्षा इन राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी।